There is a word called entrepreneur and there is another term called wantrepreneur. और आज के जमाने में हमारे आसपास हमें entrepreneurs और उससे भी ज्यादा wantrepreneurs दिखते हैं, यानी वो लोग who are wannabe entrepreneurs, जो entrepreneur बनना चाहते हैं। आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है इफ यू आर वन ऑफ दी एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज इस पॉडकास्ट में आप ये सीखेंगे कि कैसे किसी इंसान के केवल सक्सेस नहीं बल्कि उसकी फेलियर आपको और ज्यादा इंस्पायर कर सकती है, बिकॉज द रियल लेसन्स आर लर्न्ड फ्रॉम द फेलियर्स। इस पॉडकास्ट में आप सुनने वाले हैं अ वेरी वेरी डियर, नॉट फ्रेंड ऑफ माइंड बट लाइक अ ब्रदर, इज अ ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। कुछ टाइम पहले एक स्टार्टअप इवेंट को हम दोनों ने मिलकर जज किया और हम एक दूसरे को नहीं जानते थे उस वक्त, लेकिन हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे यू नो वर्ड्स इतने ज्यादा मैच हुए दैट इट क्रिएटेड एन यू नो इटर्नल बॉन्ड बिटवीन अस। व्हाई डू आई से इटर्नल? बिकॉज आई नो कि वो जो पर्सन है वो इतने सारे लोगों को इंस्पायर करने वाले, एंड वी शेयर द सेम फिलोसफी दैट इज टू एड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। इसलिए आई नो कि उनके साथ वो बॉन्ड बहुत बहुत ज्यादा फॉरएवर मेरा रहने वाला है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे कैसे इंसान को हु इज नॉट जस्ट एन एंटरप्रेन्योर, ही इज अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, ही इज अ अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर, ही इज एन अवार्ड विनिंग स्पीकर, ही हैज सो मेनी लॉरल्स अंडर हिज बेल्ट। ओके, दैट अगर मैं यहाँ पे बताने के लिए आया तो लिस्ट बहुत बड़ी हो जाने वाली है। सो टू कीप इट शॉर्ट, लेट मी समराइज। In this podcast, you'll get a new perspective about entrepreneurship. You'll get a new way of seeing things towards failures. In this podcast, आपको पता लगेगा life के बहुत सारे ऐसे fundamentals जो आपको grow करने में help करेंगे. In this podcast, you will learn how you can actually start living your life to the fullest. तो आपका कोई भी एज हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, इट डजंट मैटर, बिकॉज ये पॉडकास्ट आपके लिए सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग, सबसे ज्यादा कैंडिड और सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है अमंग ऑल द पॉडकास्ट दैट यू माइट हैव लिसन्ड इन योर लाइफ। सो क्विकली हॉप ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन, द इम्पैक्ट शो बाय बिस गुरुकुल। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड वेलकम टू द इम्पैक्ट शो बाय बिज गुरुकुल। और आज के इस पॉडकास्ट में मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ, बिकॉज आई एम होस्टिंग माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर राहुल बसक, एन अमेजिंग एंटरप्रेन्योर, अ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर, अमेजिंग ह्यूमन बींग, एंड उससे भी ज्यादा यू नो ही सच अ काइंड पर्सन दैट ही हैज यू नो गिवन हिज टाइम एट सच अ शॉर्ट नोटिस। And thank you so much, Rahul bhai, for coming here on this podcast. Welcome. It's completely my honor, because when I received your call that I am going to be a part of this school's journey, and I have been following your work since a very long time, and it is so inspiring that how you are connecting the budding entrepreneurs from all around the country, and they are gradually moving towards their success. So I'm truly very happy and honored to be here. Thank you very much for having me. थैंक यू सो मच भाई फॉर सच अ स्वीट जेस्चर, यूर अमेजिंग ह्यूमन बींग। यू नो मैं हमेशा जैसे जब से पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी उस स्टार्टअप इवेंट में जो हम लोग जज कर रहे थे, यू नो तो तभी से जो आपका ऑरा है, तभी से जो आपका नेचर है वो समझ में आ गया था कि इतनी सारी सक्सेस होने के बावजूद भी यूर सो हम्बल। तो सबसे पहले तो ये स्टोरी बताने से पहले लोगों को कि यू नो कि हम कैसे मिले, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ कम यूर सो हम्बल, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट। that is because I still watch Chota Bhim, and honestly I still try to make time for Chota Bhim and Doraemon, and also Naruto and the anime parts, because what happened is, like, you know, these all things makes us feel like what is the true important things about life. You know, aapko laddu khana hai, that is going to give you the happiness. आपको बिलियन डॉलर लेना है, दैट माइट बी अनदर सेट ऑफ हैप्पीनेस, बट लड्डू खाने का जो मजा है वो सिर्फ लड्डू में ही मिलेगा, राइट? सो व्हेन यू अंडरस्टैंड द कोर यू नो थिंग्स दैट मेक्स अस हैप्पी बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, सो दैट कैन यू नो गिव यू द इजी आइडिया दैट ओके रेस्ट ऑफ द पार्ट इज जस्ट लाइक अ फ्लैश लाइट, इट विल बी हेयर समडे, इट माइट नॉट बी हेयर, बट द लड्डू विल बी देयर, राइट? यू कैन परचेज इट ऑफ 5 rupees। वाओ, बिल्कुल सही बात आपने बोली कि जो कई बार जो असली खुशियां हैं वैसी छोटी छोटी चीजों में मिल जाती हैं। करेक्ट, बिल्कुल। एंड इनफैक्ट आई नो यू आर अ बिग टाइम वीडियो गेम बफ एज वेल, लाइक पीएस पे आप खेलते रहते, आपकी स्टोरीज देखते रहता हूं मैं।
Yeah, I'm into PlayStation, like, because of two reasons. That, you know, what happened is, like, games are truly important when it comes to opening your mind. I know I'm not saying overplaying anything is important, but games are important in such a way because it helps us to, you know, discover new ideas as well. I remember I got some of the ideas from the games as well. Like, yeah, definitely, because the people who are making it is super genius, you know. Like, in that way, you can, like, the stops, like, you know, augmented reality, virtual reality. We are kind of, like, less, you know, when it comes to the education in India about that all stuff. So in that case, when we get to know, like, what is happening in all over the country by playing recent games, which is actually being released on that particular segment, that gives us the idea, okay, in future, might be we can develop something in the arena that we are working that can help us to reach there. So everything is interlinked when it comes to anyone's journey, not only entrepreneurs, like the people who are sitting all around you, like the people who we are talking to every day, like the probably the Netflix series you are watching right now. Everything is definitely going to create an impact on your life. Absolutely. And the smart people, they, you know, take the ideas, they take inspiration from these things, right? Not just, you know, for them it's not a waste of time. Exactly not. Because, you know, what happens is, like, idea is all around there, but the point is, like, idea ke saath aapka vibe match karna jaruri hai. And and they say na, like, you know, you are not going to get your soulmate by sitting at your home. True. Same goes all around. Oh, great. Absolutely right. Talking about the vibe. So let me, you know, tell our audience the story that how we met. You know, it was just because of the vibe, I guess. Right? Exactly. तो मैं दिल्ली में था, आप कोलकाता में. हम पहले कभी एक दूसरे को मिले नहीं थे. एक स्टार्टअप इवेंट जो हम दोनों जज कर रहे थे, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स थे, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स थे, जो अपने स्टार्टअप आइडिया शेयर कर रहे थे. एंड वहां पे गाइस, आई एम टेलिंग यू दिस, हम पहली बार मिले, हमें नहीं पता एक दूसरे के बारे में. स्टिल उन स्टार्टअप आइडियाज को सुन के जो फीडबैक मेरे आ रहे थे, एग्जैक्टली सेम टू आर अटर सरप्राइज, एग्जैक्टली सेम फीडबैक्स, एग्जैक्टली सेम थॉट्स, वो हम दोनों के आ रहे थे, यू नो. एंड वी वर लाइक, गॉड, व्हाट इज दिस. सी, आई पर्सनली बिलीव दैट द पीपल, इट डजंट मैटर इफ दे आर एंटरप्रेन्योर, इफ दे आर इनटू एनी अदर जॉब फील्ड, इफ दे आर, यू नो, बीइंग ऑनेस्ट फ्रॉम देयर जर्नी फ्रॉम द डे वन. And they have suffered in their own way as well. So what happened is, like, our journey pretty much became same. We had sleepless night, we had didn't money to pay the rent, and we had, like, nothing to eat at that very time of the life. So the core became very similar to the people who have actually struggled. I think that is where our vibe matched. Because, and talking about it matched in such a way that apart from Kolkata, if there is two entrepreneurs that is I'm following right now, one is Bill Gates and another is you. Oh, God. Oh, wow. Thank you so much. अब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए. Thank you so much. That it's such an honor to stay connected and to be able to call you bhai, you know. Exactly. Same goes for me. Because that creates a different kind of bonding, I believe. True. Absolutely. The best part about this, you know, that we can be our authentic self, you know, at times, you know, with people or in the society, like, you need to maintain a kind of image, right? Correct. And it is required. There's nothing wrong about it, because you cannot show your vulnerable side to each and every person, you know. You don't know what kind of undue advantage they can take out of that. Exactly. That is very much important. And specifically, I remember, like, few years back when I started my journey, there was a podcast on Germany, I guess. So they asked me, Rahul, why your connection is like this big? And I said in a very good answer, like, you know, I said, like, I don't build connection, I try to make friends, and friends comes with my connections. So that is the simplest thing. I can see right now, I can easily tell you, like, you know, when I was planning to, like, I'm planning to, you know, expand in Delhi, the first person I called is you. Yes. so that is the important thing. I might know, like, 100 of people over there, but I don't call them bhai. So that is where it, you know, striked in a very different way. So I strongly suggest the people who are watching it right now, like, if you are going to be a budding entrepreneur in the future, or if you're going to be someone in the coming future, then don't just create friendship or connection because you need something. Okay, because you are supposed to get something from that person, or you're supposed to give something to that person. No, it doesn't work like that way. True. It should be something like you are personally supposed to get connected with that person as well. Otherwise, it will be a fundamental matters of likes and comments on LinkedIn only. But that doesn't work, right? That doesn't work. So that is the best thing.
Wow. So pro networking tip for our audience, right? Do not just make connections, make friends. Wow. Right. Lovely. In fact, in the earlier years of my entrepreneurial journey, one of my mentors taught me, it was the similar line, right? उन्होंने बोला पैसे नहीं कमाने हैं सिर्फ लोग कमाने हैं and it struck me so hard that I've been following it all through my career till now and I have seen some miraculous benefits of this statement itself जो आपने अभी बोली just connection मत बनाओ make friends and आपको आपकी life के अंदर बहुत सारे connections बनेंगे but कुछ लोग होंगे जो friends बनेंगे and they make your life beautiful. True. In that way I can say like that I was very blessed that I started my entrepreneurship journey with my friend and we started it all together. And he is my friend for like 12 years. Wow. And we met at our first day of college. I mean, I had three colleges in my life. So okay. At my first colleges, I met him and then the friendship continued. Then one night just we started. Okay. Wow. यही होता है फ्रेंड्स के साथ हमें पूरा बी प्लान नहीं डिजाइन करना पड़ता है राइट कुछ आया ऐसा हुआ था कि भाई चल बनाते हैं चल बना लेते हैं अभी अभी बैठ के बी प्लान बनाएंगे बी प्लान बनाने का टाइम अभी है पहले कंफर्म तो हो लेते हैं कि भाई बनाते हैं पहले वो जज करेंगे कैलकुलेशन करेंगे फिट जग के अगर अच्छा नहीं लगे तो नहीं बनाएंगे तो फिर हॉबी का मतलब क्या हुआ भाई सही बात है वो पहला वाला झोंका पे अगर आपको दिल आ गया ना तो फिर आपका दिल आ गया अभी आपको कैसे पटाना है दैट इज अप टू यू बट राइट नाउ आपका दिल आ गया अभी अगर प्लान में कोई गड़बड़ी आ रहा है देन वी कैन मेक अ डिफरेंट प्लान ट्रू इट्स नॉट लाइक दैट वी हैव टू जस्ट लीव द बिजनेस आइडिया वी कैन जस्ट एक्सपेरिमेंट इट एंड दैट इज व्हाट आई टेल पीपल ऑलवेज लाइक एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग विद बिजनेसेस It's not like that we are doing something traditional businesses. Like I know a lot of people who are doing traditional businesses. That means the person, the business idea that he is or she is working on, there might be thousands of people who have done it or who is doing it right now. So he have a structural model ready. Okay, this is going to be my customer. This is going to be my people. But when it comes to developing your own thing, it's an experiment process. True. So that's the beauty of entrepreneurship. Exactly. That's how BizGurukul also got started. Rit was paying me around, quarter to two in night. Okay. Ping me. Okay. Sir, I want to talk to you regarding some idea. I thought, okay, what is the idea? And, incidentally, so main jaldi so jata hun. But that time, I was just spending my time on Instagram, just scrolling, and all. And suddenly मैंने देखा WhatsApp पे मैसेज आया मैंने रिप्लाई किया एंड फिर वो बात हुई एंड देन इट क्रिएटेड समथिंग विच इज गोइंग रेवोल्यूशनरी एंड जिसकी वजह से आपको आज हम होस्ट कर पा रहे हैं इतने अच्छे तरीके से दैट्स अ लवली थिंग टू हैव आई एम ऑनर्ड यस आई when I read about you or check your profile and other stuffs, I find it really wonderful in that way as well, like how you guys started. Because what happened is like that spark which hit for the first time, like aapke andar wo aag chala deta hai. Now the problem is, I know a lot of people who are watching it might be facing the same kind of problem. Like kabhi kabhi kya hota hai na, aag aapka raat mein bahut acha chal jata hai. About ke you finish like okay that was might be a something ki nahi hone wala hai and that kind of stuff. So I believe that there might be some ideas in your life which will never give you the opportunity to sleep. आपको सोने नहीं देगा क्योंकि आपको दिमाग काम करते रहेगा कंटिन्यूअसली. You have to do the meditation to calm it down. कि भाई अब तो सोना है मुझे यार सोने दे बहुत बार होता है भाई बहुत बार होता है एंड बीइंग एन एंटरप्रेन्योर ये एक सबसे अच्छी फीलिंग लगती है मुझे कि रेगुलरली जब आपकी एक्चुअली वो आइडेंटिटी बन जाती है तो जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं तो एक मुझे ये जो एक बहुत अच्छा लेसन मिला मेरे मेंटर से मिस्टर केशव लाल से उन्होंने ये वाली बात बोली यू नीड टू टेक दैट आइडेंटिटी एंड एट टाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है उस आइडेंटिटी से बाहर निकालना मतलब एज इन कभी हम किसी फैमिली फंक्शन में है या कभी उसमें है तो पहले मैं ऐसा सोचता था कि मेरे चाचा जी बिजनेस करते हैं तो आई वाज लाइक जहां पे जाते बिजनेस की बातें छेड़ने लग जाते हैं आदमी को इतना भी मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए. Now I realize when I'm into that identity, now I realize कि यार ऐसा मैं भी करता हूँ. तब मैं उनको समझ पाया कि it was so natural and that was the reason that he was growing. तो आप इस concept पे क्या कहना चाहेंगे? Adopting that identity and how does it give you success? Like what does it mean to you? Rohit bhai, I personally believe that I might have multiple personality disorders because for you, I can believe it, bhai. You are into so many things, no? In a way, I'm an artist. In a way, I'm a businessman, and in a way, I'm also experimenting with the new technologies as well.
सो अभी तीन ठो आइडेंटिटी बन गया. व्हेन आई एम एंटरिंग इनटू द यू नो आर्ट गैलरीज, पीपल टेक मी एज अ ओके अ नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट केम इनटू द शो. ओके, व्हेन आई एम एंटरिंग इनटू द बिजनेस कॉन्फ्रेंस, पीपल आल्सो टेक इट लाइक दिस, ओके अ नेशनल अवार्ड विनिंग एंटरप्रेन्योर केम इनटू द शो. सो इट बिकम सुपर मेसी. देन आई ट्राई टू जॉट इट डाउन, ओके व्हाट माइट बी द थिन लाइन दैट इज कनेक्टिंग मी. आई फाइंड आउट लाइक इफ यू आर अ ट्रू आर्ट into the business field, you can actually paint in the Excel sheet as well. Wow, lovely. So coming back to creating an experiment, creating a business model, I think that is what I did in my artistic life as well. I experimented with new thoughts, new ideas. I developed it in a new way so that, you know, people get the new perspective about human psychological photographies. So the same thing I'm doing in the business as well, like trying to experiment with the new thoughts. True. True. Rahul bhai, ये जो आपने अपनी सक्सेस के बारे में बताया, you know, और ये बात सुन के मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने अक्सर लोगों के जैसे डीएम्स आते हैं, कभी बात होती है, कोई मिलता है, तो ये जो कॉमन जो सवाल एक मैंने देखा जो लोग पूछते हैं अक्सर, वो ये रहता है कि सर आपने ये कर लिया, बट क्या मेरे पास ये वाला पोटेंशियल है कि मैं आपकी तरह ये इतनी अच्छी सक्सेस ले पाऊं, यू नो. सो उनके आंसर के लिए आई वांट टू नो द स्टोरी बिहाइंड इट, आई वांट टू नो द स्टोरी ऑफ योर फेलियर्स. So that people would understand that we are not Superman, right? We were not born smart, right? ऐसे कोई हमें थाली में सजा के नहीं, मतलब we are not born with silver spoon, right? So coming from middle class, having so much of failures and then creating that success, and वो failures अभी भी मिलते हैं. It's not like के सब कुछ रोजी हो गया एकदम. So I want to know about the journey of those failures from you. You know your failures and तो वो turnaround कैसे लिया? Okay, Rohit bhai, you know, talking about failure stuff, I think it's been a very constant part of my journey, even it still goes on, but I will try to, you know, mark the highlights that I have faced in my journey so far. So I remember at my 10th board, I was a very meritorious student, like I was among the top 28 students from the district. And when it comes to the 12th board, what I did was, like, you know, I stopped reading my academic books. Rather, I was focused into, you know, multiple books, like you can see over here, right? So the different other kind of books. So I never actually paid attention to my academics. So that's why, and due to some other reasons as well, like family, you know, medical issues as well, I got failed at my 12th board. Abhi sochiye, okay? Now I'm talking to you, and it just take me back to the 15 years back. And one guy just failed at the most vital examination of his life. The 12th boards. Yes. And his father and the other parents or like other society people just taking him as a, okay, he is an animal in the zoo. Sab usko dekhne jayenge. The black sheep, right? Right. And what happened is, like, my father started calling all possible universities, like, if there is any way to make it happen, because he's a very good person and he is also a very established person in that way as well. So who knew, like, you know, Rohit bhai, like, after 5 or 6 years, that guy will be the person who will be invited by all the universities as a guest speaker that my father called. Wow. and I remember like when I was invited for the first time by IIT, I called my father and I said, Baba, you remember, like, you know, there was this day, like, when the other people came and told you, like, you know, aapka beta kuch nahi hone wala, abhi uska beti ka haath mangne aata hai. lovely. So the point is, like, yes, failure is something, is hard to carry. Yes, depression is real. Yes, anxiety is real. And cope up with the panic attacks is not a kid's job. But what I can suggest you guys, like, you are not alone in that field. So whenever you are feeling something crisis about yourself, I'm sure you might be connected with a lot of your good friends in their life, which are supposed to be the pillar. In my case, it was always my friend, my co-founder, Mr. Amit Kumar Maheshwaras. He has been always a very important part of my roots journey. And I take him as an ideal as well when it comes to, like, making that strong, you know, ethics, strong vibe. So anyway, that was my one failure in my academics. Then possibly in the next college, my father has been called, bola ki aapka beta kuch nahi hone wala hai. Okay. Okay. And this is the person who later on joined, the only student to attend the board of governors meeting of the college. Wow. and a lot of other stuffs as well. So life is a merry-go-round. I think
See, there was a philosophy, I don't remember the name, but he said, आपका फोकस जो है ना, आप उसको बहुत ध्यान से फोकस करो, बिकॉज जो आप फोकस करने वाले हो वही आप बनने वाले हो. True. सो अगर आप अपना फेलियर को लेके दिमाग में बैठा लिए कि आप फेलियर हो, तो जिंदगी आपको फेलियर बना देगा. बट True. अगर आप सोचे कि चलो जिस दिन टेड टॉक पे खड़ा होगे उस दिन कुछ बोलने का तो रहेगा भाई, अगर सारा जिंदगी विनर ही बनते गए तो फिर टेड टॉक में 18 मिनट क्या बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे विन किया, मैंने यहाँ पे विन किया, कौन सुनेगा, स्किप करके चला जाएगा भाई. आप ऑटोबायोग्राफी लिखोगे जिसमें हमेशा स्मूथ ऐसा कर्विंग रहेगा, कोई नहीं करेगा. सो एब्सोल्युटली योर लाइफ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट एंड यू आर अ ह्यूमन. सो आई द वे रोहित भाई स्टार्टेड, लाइक यू नो आई रिमेम्बर आई सेंडिंग टेक्स्ट टू द पीपल When I was a kid as well, when I was a student as well, I remember sending the text, ki, sir, I really loved you, I really followed you. And, you know, I never thought that someday that verification blue tick marks will come to my name as well. But, you know, that time it felt like, okay, bacha, humko reply de diya. Oh my God. And now the same thing I do. Like, I sometimes surprisingly comment somewhere. I sometimes surprisingly give reply to the people because I know, like, how does it feel? Because that time I felt it like the same way. So Absolutely. it's not like that. It's like maybe some people is just ahead of the time. Maybe some people will reach to there soon. So it's just like that. True, true. So during this journey of failures to finding out something that you want to work on, right? So ये word आजकल बहुत ज्यादा common हो जाते हैं in this process, that is finding your passion, right? So how did you find your passion? Like, was it the passion what you're doing? Was it your passion, or was it just an hobby and you thought of getting into it in terms of your career? So how did you choose all these things? I guess you started off with photography first, right? Right. So how did you find it? Being a failure in school, then getting to a college. Trying to focus on studies, and then you bumped into photography, right? And you made it your passion. Am I correct? Like, was it your passion? Was it just Yes, hobby? yes, Tell me yes. about that. Yes, and I can tell you the story. I remember, like, you know, after my 12th, then I joined at a diploma college first, an engineering. Then I did my MTech as well, like in the it was a so three colleges as well. I was MTech dropout anyway. Coming back to the point, when I was doing my diploma, so I was connected with a friend and I started clicking photographs through a very cheap phone by that time. Like, I don't remember, 5 to 6 thousand phone, and it probably had a, like, a 2 or 3 megapixel cameras. Okay, but I started taking photographs from that phone because by that time my father is never going to give me this big camera because that time that was considered कि स्टूडियो वाले के पास ही इतना बड़ा कैमरा होता है, घर में इतना बड़ा कैमरा कौन यूज और करता है. मांगो तो घर वाले बोलेंगे अब तुमने शादी की फोटो खींचनी है. करेक्ट करेक्ट. वो तो बहुत कॉमन क्वेश्चन था. सो एनीवे व्हाट हैपेंड इज लाइक आई एंटर्ड अ फोटोग्राफी कंपटीशन विद दैट फोटोग्राफ टेकन बाय मोबाइल फोन. एंड गेस व्हाट, अराउंड 200 फोटोग्राफ्स वर सबमिटेड विद द बिगेस्ट लार्जेस्ट पॉसिबल कैमरास दैट टाइम कैन बी फाउंड, बट द पर्सन हु गॉट द फर्स्ट प्राइज वाज मी. Oh my So God. that day I understood, okay, art is all about the subject, not about the technology that we are using. Technology is supposed to give us the better outcome, not to make the, you know, art better. The outcome of the art can be bettered by the technology. That is a whole understanding. So then gradually what happened is like, I got the MTV award, then I got the Adobe's award. And then I find out myself at Hong Kong International Film Festival. So when I was at Hong Kong International Film Festival, I was talking to a lot of people, like, you know, what you do, like, you know, what do you do for a living? How does you, like, you know, implement yourself? So they gave me an, visiting card where the name was written and the short term was like the occupation was just mentioned as an artist. I thought, okay, how many Indians carry this kind of visiting card? Like, you know, the name and the artist. It's very difficult, right? And they were so confident. They were so confident to calling themselves an artist. Coming back to India, I had like multiple awards, like national, state, and you name it, I was there. But the point is, like, I never felt that confident to call myself artist. Right? Like, people बोलते रहते कि आप बेटा खाओगे क्या? खाओगे True, that's absolutely क्या? right. इंडिया में पहले बोला जाता है पहले इंजीनियरिंग कर लो फिर सोच लेना क्या करना है. Obviously, and आप लोग उसी के शिकार हैं आई गेस. I don't know, I'm also an engineer, right? So सेम हियर. that was like a very common question for me. And then the next day, at sitting at Hong Kong, I started researching like what is the reason like this part of Asia always feel like this much of less confident. Then I find out there are probably 1% of people who are actually making money from art, and the rest of the people are actually losing their hobby. That is their journey.
True. Right. I thought, okay, what if we create a marketplace through which we can connect those two people? And they can also earn money and they can also do this all stuff, right? So the next day I took a flight and come back to Kolkata, and from the airport I stayed, visited my friend's home. Okay. उसका दरवाजा ठकठकाया, उसको बोला कि भाई ये करना है, वो बोलो कि चलो कर लेते हैं. And right now I'm sitting over here in front of you, and right now we have multiple companies as well. Wow, lovely. So to summarize that answer is that if you want to find your passion, you should start experimenting with the things, right? Otherwise it is not possible, because what is happening, Rohit, right now is like for a lot of social media engagements, people started believing that others' passion is my passion. Ah, correct. They're copying each other. True. Right. मतलब पकड़ लीजिए कि like you know एक एक ऐसा कैसा music बनाने में पकड़ लीजिए कि बहुत सारा likes आ रहा है. हाँ. They are actually hunting for the likes. They are not actually hunting for the passion. True. ये word के पीछे बड़ा viral होना है जैसे. Correct. And this is making all the nonsense. If the internet is getting out of nonsense, then this is what is the particular reason for it. If you're passionate about making video, then go and make it. But if you're making it just because somebody else is getting likes and vibes, then forget it. And I always tell people, right now I probably have 14,000 followers at LinkedIn, but the first time I received my TED talk offer, it was like 100 followers I was even there. Okay. So it's not about that. It's about the personally you are creating, and if you are having that vibe, then people will automatically drawn to you. True. Right? And but abhi ka bachche logo ko kya hai, first din se humko bahut kuch chahiye. फर्स्ट वीक पास पांच वीडियो में से मेरा वीडियो वायरल होना चाहिए. फर्स्ट पांच वीडियो में से मेरे वीडियो को 10,000 रीच पहुंचना चाहिए. सो दिस इज रॉन्ग. रादर यू शुड एक्सपेरिमेंट, बिकॉज फाइंडिंग आउट फोटोग्राफी, आई थिंक आई डिड मल्टीपल स्टफ बिफोर. आई हैव लाइक कराटे यू नो डिग्री, देन आई हैव लाइक सिंगिंग डिग्री, तबला डिग्री, ऑल दैट स्टफ आई हैड. बट द पॉइंट इज इट टुक टाइम टू अंडरस्टैंड. इट्स ऑलवेज लाइक फाइंडिंग योर सोलमेट. आपका पहला वाला जो आखिरी वाला होने वाला है तो कोई लिखा नहीं हुआ है ना. देयर इज एक्सेस. करेक्ट. वाओ, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया भाई. और जो आपने बोला ना कि लोग एक्चुअली, ये बात मैं भी इस बात से अग्री करता हूँ, मैं फॉलो भी करता हूँ, कि लोग बहुत जल्दी केवल उन लाइक्स के पीछे भाग रहे हैं, वायरलिटी के पीछे भाग रहे हैं. एंड ये जो टर्म उसके साथ एसोसिएट होती है, इट्स कॉल्ड पर्सनल ब्रांड, राइट? कि हमें पर्सनल ब्रांड बनाना है. लेकिन लोग अक्सर पर्सनल ब्रांड का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड भूल जाते हैं, दैट इज पर्सनल एंड ऑथेंटिक. दे आर जस्ट फोकस्ड अबाउट ब्रांडिंग, दे आर नॉट एट ऑल फोकस्ड अबाउट द जेन्युइनिटी. एंड ये मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, आप जो हो आप एक बार वो तो दिखाओ फिर वहां पे. यू नो, लोगों को पता लगे आपके फेलियर्स थे, लोगों को पता लगे आपके स्ट्रगल थे, उसे छुपाओ मत. जब वो आपकी ग्रोथ देखते हैं लोग ना, तो सबसे ज्यादा वो कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वो फील किया. एंड आपकी जर्नी में भी मुझे वो वाली चीज दिख रही है कि लोग इस बात से सबसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि यू वॉक्ड योर टॉक. एक्चुअली जो आप अभी दे रहे हैं, यू वॉक थ्रू दैट पाथ, एंड इसलिए आप वो चीज बता पा रहे हो आज. And Rohit ji, आपको भी मालूम है कि the internet is like, you know, the kids are coming and they are sharing about the motivational talk about life. True. And they started giving lecture to you, and I find out, okay boss, okay beta, थोड़ा दिन रुक जा. I can feel that, you know, emotion कि जब है ना आते हैं DMs के अंदर ना, and then people doing that. So, all right. It's totally, you know, different game altogether. चलिए उसके बारे में तो बाद में, आगे भी आपको हम इनवाइट करेंगे पॉडकास्ट में आप बताएंगे. लेकिन अभी के लिए मैं एक चीज जो आपसे जानना चाह रहा था राहुल भाई, दैट वाज कि आप इतने सारे आपने मल्टीपल टेड टॉक्स दिए, राइट? एंड अब जब से टेड फेमस हुआ, तब से आज यू नो हर एक यंगस्टर का ये वाला सपना है कि भी मुझे ना स्पीकर बनना है, एंड आई वॉन्ट टू बी अ टेड टॉक स्पीकर फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? सो यू टेल मी, यू नो, व्हाट मेड यू रीच द टेड टॉक स्टेज? What was the journey behind that? I think the two word is very much enough to describe the entire journey. Is being authentic and it's being professionally honest. Okay. There is a different kind of honesties, but there is something called professional honesty. So, ये जो होता है ना, this is very much important. Because when I'm coming to Rohit's profile, I will get the idea whatever Rohit is spreading, it's Rohit's own. Correct. Suppose like, you know, there is a TikTok video running on, which is getting super viewed and super popular, but that is not created by him and he is sharing it. Then what the TED Talk will find, it's finding out, okay, ये बंदे को famous होना है. And वो आपको नहीं लेगा. Right. Because what happened is like, TED doesn't मतलब need to know like आपका कितना follower है, no matter where you are. Okay. आप Instagram में हो, आप LinkedIn में हो, आप Facebook पे हो, आपका blue tick mark है कि नहीं, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है एक चीज, कि आपका जो वर्ड्स है
is it going to create a true impact? Or is it so unique that somebody else आपको छोड़कर कोई इसको नहीं बोल पाएगा? Correct. If the answer is yes, then definitely the people who are watching it, I always suggest them that I later on in my life we created our own talk show, and that is growing so fast. We are right now one of the most popular talk shows in the country, and we are coming to Delhi as well. So the point is very true ki if you have an idea and that idea can create an impact, probably not right now, probably you are making some idea about global warming which might help after 50 years, but the idea is impactful, so you are there. Be authentic and understanding yourself is very much important, because sometimes what we do we do not understand, we just have to just follow our schedules, so that is less important over here. Right, you need to spend time with yourself and get to know about yourself, right? It's not like just going within and the soul searching. I don't think utna deep jaane ki zarurat nahi hai. Just apne sath baitho, jo thoughts aa rahe hain ek bar uske sath baith ke dekho to usse kya thought aa raha hai, aur us thought ke chain se hi itne kai sari cheeze create ho jati hain jo hume khud bhi nahi pata hota ki kya potential. There is a practice called volcano in the psychology, okay, volcano painting. What happened is like you have to take a red pencil and you have to take a black pencil and you have to sit in front of a blank canvas and draw it in your own way, like whatever the shit you are, you know, coming up on your head. If it is like, you know, you are being a Harry Potter and moving in the wind, if it's feel like that you are with the Katrina Kaif or dead, so whatever it feels like, just draw it in your way, no matter how pretty bad it is. But the point is the outcome give you the expressivity. Okay, I have expressed. And some people start crying because in their entire life they have never actually expressed themselves. Because how can they do it? Because when the in front of the people are judging them in a so much way. I remember Rohit ji, like, you know, when the first time I was invited by Tate, I was so confused, what should I talk? And guess what I choose? I choose about how many times I have failed in my life. That was the entire subject of the talk, and the talk was been named after It's Okay to Fail. It was the name of the talk. And it was so embarrassing thing for me, because that time I was just getting the names, like the people are starting getting to know me. So I was so afraid, should I talk something very motivational, ki jago bhai jago, aisa wala thing, I go and say about my failure. So I was so embarrassed. But the point is, when I finished the talk, I remember the entire hall stood up. Wow. Including the you know, speakers as well. Like, you know, when I was walking down the stairs of that, you know, stage, they come around and started hugging me. Wow. The young kids come around and started taking the selfies and autographs and all the stuff. And that is the power when you know yourself and you can tell the world that, yes, I have made mistakes, and that is not a mistake. The point is, like, it sometimes comes to you because you need it. Probably you don't understand it at that moment. As Paulo Coelho said, na, that sometimes ek darwaja agar band ho ja raha hai, to dusra darwaja bhi kholta hai, but hum log ko us time wo darwaja dikhta nahi hai. Correct. To us andhere pe, matlab, mat kho mat jao. Rather, correct. Try to hunt that another door, which is very much important for you. बिल्कुल भाई. और आपने इसमें से जो भी बात बोली ना, जज करने वाली, एक्चुअली मैंने ये नोटिस किया, आई एम श्योर हम सब ने नोटिस किया है कि हम लोग कोई भी स्टेप लेने से पहले, यू नो, अगेन वो एक क्लीशे लाइन, लोग क्या कहेंगे उसके बारे में सोचने लग जाते हैं. सो आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, यू नो, जिससे कि हमारी ऑडियंस, यू नो, बहुत सारी ऑडियंस जो है हमारी मेजोरिटी, दे आर, यू नो, यंगस्टर्स, अभी बहुत यंग, यू नो, लाइफ स्टार्ट हो रही है, कॉलेज में है, या जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, दे हैव बिग ड्रीम्स, राइट? लेकिन जो एक चीज उनको रोक लेती है, अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं, यू नो, कि पेरेंट्स इस बात पे अग्री नहीं कर रहे हैं कि मैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनूं, ठीक है, या मैं कंटेंट क्रिएटर बनूं, या उनको मेरा सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना अच्छा नहीं लगता, बट आई लाइक टू डू दैट एंड आई फील उसमें एक अच्छा बन सकता है प्रोफेशन मेरा आगे, करियर, यू नो. तो आप इंजीनियरिंग से एकदम ऑफ बीट गए, आप फोटोग्राफी में गए, उससे पहले म्यूजिक में आपने बताया, राइट? उसके बाद जब अच्छा खासा फोटोग्राफी चल रहा था, फिर उसके बाद आपने अपना टॉक शो स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आप आर्टिस्ट्स के लिए इतना कुछ करने लगे, आपने उनके लिए अपना स्टार्टअप किया जहां पे आर्टिस्ट आके अपनी आर्ट को प्रमोट कर पाए हैं, राइट? तो आपने कैसे डील किया, या आप क्या इस पे मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, जब उनको फियर होता है लोगों से जज होने का, पीयर प्रेशर होता है, फैमिली वालों की तरफ से ऑपोजिशन आता है, हाउ टू हैंडल दैट? रोहित भाई, मैं आगे वाला पार्ट भी बोल देता हूँ, आपने पीछे वाला पार्ट बोल दिया. राइट नाउ आई एम लर्निंग डीजे. Oh. And probably there is an international gig that where I'm going to play in the next 1 year as well, like not in India, outside India. So and probably after few years, you can find me in a Tibet sitting in a room, matlab main sadhu ban gaya hu, aisa wala feeling bhi ho sakta. So life is full of, you know, things. So before you become a monk, na, sell your Ferrari to me.
So coming back to that question, guys, if you want to become an entrepreneur, then in your life you have to deal with lakhs of customers, and you have to make them convey that you are right and you have to sell your product. So in your case, your parents are your first priority to make them understand what you are going to do. They are your own people. You have to make them understand. And if you cannot make them understand, then how you are expecting you are going to make the rest of the world, make you understand what you are going to be. Take it True. as your experiment model. दो चार गाली खा रहे हो, दो चार थप्पड़ खा रहे हो, खाने दो ना। देन सीखो उससे। सही अगर बात। अगर उनसे उनको बोलो कि अच्छा, यू नीड अ डेमो, देन गिव मी अ 1 ईयर लाइफ दैट कैन बी अ डेमो, और गिव मी अ 6 मंथ्स ऑफ लाइफ, आई कैन शो यू द ग्रोथ, और आई कैन शो यू दैट आई एम हार्ड वर्किंग। True. मे बी द ग्रोथ विल नॉट कम, बट द हार्ड वर्किंग विल बी देयर। एंड True. आपने आपका इमेज भी तो बिगाड़ कर रखा है ना पेरेंट्स के सामने। मतलब 2 बजे उठते हो, रात के 5 बजे सोने जाते हो, इंस्टाग्राम लेके पड़े रहते हो, देन इट विल बिकम हार्ड फॉर देम एज वेल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? Absolutely right. एंड थिंक अबाउट लाइक दिस वे, कि आप जब, हम लोग जब छोटे थे, लाइक आई रिमेम्बर फर्स्ट टाइम आई वॉज आई यूज इंस्टाग्राम, आई थिंक थर्ड ईयर ऑफ माई कॉलेज, आई रिमेम्बर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेकेंड और थर्ड ईयर ऑफ माई कॉलेज। सो आई वॉज सो स्केर्ड ऑफ इंस्टाग्राम बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू यूज इट, Okay. बिकॉज दैट टाइम आई वॉज क्वाइट फेमिलियर विथ फेसबुक, बट दिस मच ऑफ नॉट फेसबुक दैट टाइम। आई रिमेम्बर दैट टाइम नो एनी अदर मैसेंजर थिंग, आई एम श्योर लाइक रोहित भाई ऑल्सो रिमेम्बर, लाइक देर वॉज नो एनी मैसेंजर थिंग कैन बी डन फ्रॉम द मोबाइल फोन बाई दैट टाइम। True. सो वट हैपन इज पेरेंट्स डजेंट अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, राइट? नाउ इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इमेजिन इट लाइक दिस वे, यू हैव अ कस्टमर हु कैन गिव यू 1 बिलियन रुपीज, बट द पॉइंट इज द कस्टमर डजेंट अंडरस्टैंड वट इज योर प्रोडक्ट। सो नाउ इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको पहले समझाओ कि भाई प्रोडक्ट क्या है, वो भी धीरज रख के। हाँ ओके, सो एवरी चैलेंज यू आर गोइंग टू फेस, इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। बट जो आपका गुस्सा है ना, कि लाइक करने दो नहीं तो मैं छोड़ जाऊंगा, ये सब कुछ काम नहीं होगा, बिकॉज इट माइट वर्क इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स, बट आपका क्या बोलता है कस्टमर, आपको गूगल रिव्यू में आके चाटा देके चला करेक्ट जाएगा। करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली राइट. इनफैक्ट मुझे लगता है वो जो थ्री इडियट्स को लेके लोग बार बार मीम यूज करते हैं कि अब्बा नहीं मानेंगे उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो भूल जाते हैं कि फरहान ने पहले प्रूव किया था उसके फोटोग्राफ्स अच्छी थे, उसको इनविटेशन आया तब वो पेरेंट्स को कन्विंस कर पाया. और आपने बिल्कुल ठीक बोला, यहाँ पे हम 2-2 बजे तक सो के उठ रहे हैं, रात को हमारे पेरेंट्स रूम में आते तो वो देखते मोबाइल की लाइट जल रही है, एंड देन वी एक्सपेक्ट कि वो हम कुछ बोले कि मुझे करियर इस फील्ड में बनाना हो एकदम से अग्री कर जाएंगे. इट्स नॉट गोना हैपन दैट I'll वे. be millionaire very soon, like that kind of feeling. एग्जैक्टली, वो बड़े बड़े सपने भी तो हम एकदम से दिखाते थे ना उनको, प्रोजेक्शन. That is wrong. That is wrong. I always consider it like this way. Like I have a younger brother, so he is like 5 to 6 years, younger than me. So sometimes he come up with sort of a generation ideas, like yeah, I'm going to do this and I'm going to do that. I'm spending that much of time on Instagram and that all stuff. And so I was like, okay, so what is going to be the net result? So even me myself was confused. So I asked some people, okay, imagine it like this way. Try talking about someone 10 years younger than you. Try it. Like the people who are listening to it. Like, try talking about somebody who is 10 years younger than you and try to get the perspectives of his life. You will find out that probably at class 7 he is doing more great at Instagram that you have ever thought in your entire life. Absolutely right. Right, so you will find out that okay, there is something that we don't understand about the young thing. And also, when it comes to my, like, people call me like, what is your inspiration? I tell them that it's death. Okay, because I take it like this way, after 7 days I will be dead. So there must be something in this 7 days that I have to work on, so that when I will be dead, there will be at least a murti of mine in the company. Okay, Right? lovely. And how I get this idea? Because I talk with the elder people. Go to any homage and talk to like a person of 80s who have already lost everything and see why they are talking about their dreams. कि उसका आँख में नजर रखो, तब पता चलेगा कि ठीक है, पेरेंट्स को भी समझाना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा। अगर नहीं समझे तो फिर वी हैव टू थिंक समथिंग कि उसको बिना हार्म किए हुए, उसके हॉबी को नो रेस्पेक्ट करते हुए हम लोग कैसे आगे बढ़े, ठीक है? एंड जब वो, मतलब आपके उसका आंखों में नजर आएगा ना कि ओके, हाउ डज इट, देखिए फेलियर से डर नहीं लगता, लगता है फ्रस्ट्रेशन से। फेलियर से डर नहीं लगता साहेब, फ्रस्ट्रेशन से लगता है. नाइस. क्या होता है कि लाइक पकड़ लीजिए कि फेलियर को हम लोग ओवर कर हो जाते हैं, ठीक है ना?
कोई बरतबत नहीं है, बट जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो बहुत कमी चीज होता है कि अगर ऊपर आ गया ना आपके ऊपर, सो आपको दुनिया में ना सब कुछ अंधेरा नजर आता है, करेक्ट, ठीक है ना, उसमें से रोशनी ढूंढ लाने के लिए आपको बहुत दिक्कत करना पड़ता है, बट पॉसिबल, ऑब्वियसली पॉसिबल, बिकॉज आई हैव फेस्ड इट इन माय लाइफ एज वेल, आई टॉक टू द साइकियाट्रिस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. And what to do, Rohit? Like, you know, you are handling four companies and there are a lot of people who is depending on your mood. You're bound to get crazy. हाँ, अगर सुबह हम अच्छे मूड लेके नहीं उठे and you take a wrong decision, that probably harm 5 to 6 people side and maybe more than that. So we have to always maintain our mood in a very constant level. Absolutely. So that's it. So that is my, you know, thing to the people. कि आप एक बात आपने बहुत अच्छी यहाँ पे बोली, यू नो, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो आपके लाइन थी ना कि आई कंसल्ट साइकियाट्रिस्ट, यू नो, आई टेक हेल्प, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो. अभी मेंटल हेल्थ को लेकर इतना ज्यादा अवेयरनेस हो रहा है, अभी हमने एक इंस्टा लाइव सेशन किया, अभी जो हमारा पिछला पॉडकास्ट था विद मिस्टर विवेक शर्मा, इट वॉज ऑन द सेम थिंग, राइट. तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर, ठीक है, एंड सीक हेल्प. और हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि चलो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत भी कुछ अगर अचीव करने भी लग जाए ना, नहीं भी क्या होता, तो भी अक्सर मैंने लोगों को देखा है, उनको लगता है अरे यार मैं जाके बोलूंगा वो क्या सोचेगा, यू नो. तो आपको ऐसे ऐसे टाइम पे ऐसा फील नहीं होता, यू नो, कि यार यू नो मैं हूँ, एक लेवल है, कुछ प्रेस्टीज है, एंड यू नो अगर मैं जाके किसी साइकेट्रिस्ट से बात करूंगा, यू नो, तो उसको कैसा वो नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में, तो आप इस चीज को ओवरकम कैसे करते हो? देखिए, पहले भी जब साइकेट्रिस्ट से विजिट करता हूँ तो साइकेट्रिस्ट बोलता है मुझे कि आपने जिंदगी में जो जो किया है मैंने उसका 50% कर लिया, तो आई विल कॉल माय सेल्फ घर आके. आई वाज लाइक ठीक है बेटा, अब रुक जा, अब मेरे बात सुन ले, ठीक है ना. सो आई मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर टू द पीपल कि आई नो व्हेन इट सक्स, कोई मोटिवेशन दिमाग में नहीं जाता है, ठीक है. इट डजंट मैटर आपको कौन क्या बोल रहा है, कौन सा वीडियो देख रहे हो, कौन सा बुक पढ़ रहे हो, डजंट मैटर उस टाइम. Because that 2 or 3 hours when you are under panic attack, at that time you might feel like you just need to vomit. You know. So I personally suggest one thing to everybody. You know, I started this conversation with building friendship. Right. So I will also mention that if the first person who is going to help you is your friend, because he is supposed to be the, or she is supposed to be the pillar of that soul that is might require. Okay, so making friendship is very important, and second important thing is educating yourself is very much important. You have to learn this all stuff. Okay, if someday you are going to face a panic attack, if someday you are about to go for any things that you might not experience before, how you are about to do that thing. Right. As an entrepreneur, take it under your study, because people usually when think us as a CEO and they call us as a CEO, and like whenever what we do, it comes to the Google in 2 minutes, and you know, next minute our news media coverage. These all things sound super fancy, but the point is to come over here, the journey is not at all easy, my friend. It is completely different, you know. So what happened, Rohit, is like sometimes we when we face like depression, when we face anxiety, when we face fear, that time एक चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है कि दैट इज योर ड्रीम. हम लोग ना कुछ सोचते हैं कि लाइक हम लोग कुछ बनेंगे, ठीक है ना. वो बोलता है ना कि चराई करने के बाद ही बेस्ट व्यू दिखता है दुनिया का. वो चराई करने का जो रास्ता है ना, जो आप अभी तक किताब में पढ़े हुए हो, जो अभी तक हम लोगों से सुने हुए हो, आपके जर्नी में दैट इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट, माई फ्रेंड. So make yourself prepare, make yourself very ready, focus on your body, focus on your mind, make time for meditation, make time for everything. So apart from, you know, focusing on your dream, recalling it every day, what are the other things which you practice to keep yourself motivated amidst on these challenges, all these hardships? I think traveling is a very important part in my life. When I travel to different countries, different culture, meet different people, and what nobody gives a shit about who you are. They take you as a brown person from Asia, and that is your only identity there. And but just think for a moment, at an evening, you were down to a lane, and you exactly don't know what it
what is going to be the country or what is going to be the name of the place, and you were just walking and you suddenly find out a street food store and you ate something which you don't know what you exactly ate, but the point is it felt like that the bestest dinner you had in your entire life. If you want to achieve that thing, then dude, you have to work right now. Apart from that, there is no other way. No matter what you are going through, probably when you were in the middle of Arabian Sea and you were screaming out loud at 10 at the night and there is not even one signal and there is all around like, you know, black and you were screaming like hell and it feels amazing. I have done both of the things, so I can tell you, like, you know, how does it feel? I felt that emotion that you just displayed. So to get that vibe, to achieve that vibe, it you have to struggle right now. I think that helps me a lot. Whenever I feel like that I'm stuck, I close my eyes and think for a lane in a different state, probably at Amsterdam, that I am, you know, just going through cycle, or probably at Russia, that, you know, beautiful, you know, spring and all that stuff. It makes me help very happy. Wow. And how do you manage your time? Like, up 3-4 startups up, you know, you are managing that. I'm very bad at it. That's why my personal life sucks and I'm out of girlfriend. So that is a very good question. But coming back to my professional life, I try to make it very clean that this is my working hours. Suppose I'm working 15 hours, then this is going to be my shift. Okay. I will not work after that. Perfect. For 8 hours each and every day, my phone remains in a D&D mode because that is my job. I try to read books, I try to talk with my family, I try to watch movie, I try to do Netflix and all that stuff. Even I am a very lazy person as well when it time things comes. So my point is, I am a CEO, not a superhuman being, first of all. So when I'm a human being, I'm allowed to have everything. It's very, very first rule of psychology is like, you cannot ignore your feelings. It is in you. But now the point is how you are going to manage. That is what makes you superior in your skill. Absolutely right. So have fun in everything. Like, make at least I watch two, the week mein do bar I open Netflix. That is for sure. कोई एक वीकेंड आ गया, कोई एक मिडिल डे में आ गया कि मैं एक ना एक छोटा मोटा चीज सीरीज वीरीज तो देखने वाला हूँ. And I try to make time for books. And then it comes to, when it comes to work, I again do the same thing. I come to the D&D mode. And I don't take anything which is personal and because I'm walking. Because this is my temple. When I'm in front of the laptop, it's my temple. It's just my devotion it requires. Beautiful. So my point is, when you are walking hard, make it hard. When you're partying hard, make it hard. Wow, lovely. I mean, this was such a great answer. Maine डीप वर्क के अंदर इसको पढ़ा था, यू नो दैट यू नीड टू डिसाइड कि किस टाइम पे आपको आज का डे ओवर करना है, यू नो. एंड एवर सिंस आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दैट, बहुत ज्यादा हेल्प हुई मुझसे, यू नो. अभी मैं अपने एक फ्रेंड को बता भी रहा था, यू नो, कि यू नीड टू डिसाइड कि इस इतने बजे के बाद ऑफिस में उनको नहीं बैठना है, एंड नाउ आई नीड टू गो एंड डू अदर स्टफ दैट आई लाइक. जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड आपने यूज किया रिसेंटली, यू नो, बिकॉज मैं लाइफ कोचिंग की ट्रेनिंग देता हूँ, मतलब आई डू अटेंड सेशंस क्योंकि वहीं से आई यू नो टेंड टू कीप माई सेल्फ सेन अमिडस्ट ऑल दिस कैओस. तो वहां पे जो मेरे ट्रेनर है, उन्होंने भी वाली ये वर्ड यूज किया था एग्जैक्टली, मैं बताता हूँ. दैट वाज फीलिंग्स, जो आपने बोला अभी, है ना, यू कैन नॉट निगलेक्ट योर फीलिंग्स. फीलिंग्स आएंगे, द ओनली थिंग यू नीड टू लर्न इज हाउ टू मैनेज दैट. यू कैन नॉट इग्नोर इट, यू मस्ट नॉट इग्नोर इट, एंड तभी आप उसको कर पाओगे. सो दैट वाज अ लवली लवली थिंग. दैट इज द फर्स्ट लेसन दैट इज टॉट इनटू द साइकोलॉजी फील्ड. एंड फॉर माय आर्टिस्टिक जर्नी, लाइक आई नीडेड टू, यू नो, मेक क्रिएट आर्ट बेस्ड ऑन साइकोलॉजी. सो आई नीड टू स्टडी साइकोलॉजी फॉर अ लिटिल बिट. And I'm still, you know, doing a personality development course where I'm learning what are the things that is required to take your, you know, things to that level. Because if you want to take yourself to your next stage, so first thing is very much foremost, you have to learn yourself about first, like who you are. Like, what are the things that makes you angry? What are the things that makes you calm? What are the things that makes you focus? You need to understand these all things very much, because if you don't know yourself, you might be applying someone else's idea to get success. Absolutely. That is what might be right for you. Absolutely. Like, you know, Bill Gates once said, no, like, the, I choose lazy people to make my works because they make it very faster. And that is true. That is true.
इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट यू नो दैट यू कैरी विद यू. यहाँ पे लोग दूसरों के बारे में पता होता है उनको, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की पूरी लाइफ का पता होता है, अपना नहीं पता होता है, खुद के बारे में नहीं जानते क्या पसंद है क्या ना पसंद है. एंड इट्स वेरी हार्ड जॉब टू यू नो खुद के अंदर झांक के आपको बोलना कि यू नो इफ यू आस्क एनी रैंडम पर्सन इन द स्ट्रीट टेल मी फाइव थिंग्स यू वांट योर लाइफ, नहीं होता लोग, पांच चीजें भी नहीं लिस्ट होती. करेक्ट है, बिल्कुल ठीक. सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट. एंड इट्स अ प्रोसेस यू नो इट्स अ प्रोसेस नोइंग अबाउट योर बॉडी, नोइंग अबाउट योर माइंड, नोइंग अबाउट योर डाइट, दिस ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. यू नीड टू कीप दीज थिंग्स ऑन प्रायोरिटी. एक बार उसको आप जान लोगे, लाइफ के न जाने कितने आंसर्स वैसे ही मिल जाएंगे, उसके बेसिस पे कितना कुछ बिल्ड हो सकता है. वाओ, सच सच अ लवली कॉन्सेप्ट दैट यू हैव जस्ट टच्ड. लास्ट क्वेश्चन राहुल भाई फ्रॉम यू इज अबाउट कोविड. यू नो अबाउट कोविड, अच्छा ठीक है, तो ये बताओ आया कहाँ से पहले. जस्ट किडिंग. मेरे पास न्यूज़ से आया लवली, कूल कूल. सो यू नो मैं इस पे आपका व्यू जानना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कोविड से पहले और पोस्ट कोविड क्या चेंज आया, ठीक है. एंड अब आप एज एन एंटरप्रेन्योर लोगों के लिए, नो एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड के लिए, अब आप फ्यूचर में क्या होता हुआ देख रहे हो बिकॉज ऑफ दिस प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड जो शिफ्ट हुआ, अब आप आगे क्या फ्यूचर आप विजुलाइज कर पा रहे हो. रोहित भाई, आई थिंक कोविड टॉट मी वन थिंग वेरी मच वेरी क्लियरली. योर प्लान्स आर इम्पॉर्टेंट बट समटाइम्स हम लोग ना प्लान्स में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं अपना ड्रीम को छोड़ के. ठीक है कि पकड़ लीजिए वी स्टार्टेड टू मेक ए बी सी एंड इन द फॉलोइंग प्रोसेस वी स्टार्टेड बिल्डिंग मनी ओनली. तो व्हाट हैपेंड कि वो ए बी सी वाला सपना ना कहीं पे गायब हो जाता करेक्ट. है. दैट इज बिकॉज वी मेक आवर प्लान सो स्पॉन्टेनियस. तो कोविड टॉट अस दैट योर प्लान कैन फेस्ड डायरेक्ट डाउन टाइम एट एनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ. तब जाके आपका कोई ए बी सी जितना भी प्लान आपने बनाया है सब गया. करेक्ट. नाउ इट्स योर ड्रीम दैट ओनली थिंग कैन सेव यू. कि आपका जो सपना था अभी आपको रेस्क्यू करने वाला है क्योंकि हाँ आपका जो भी प्लान था वो तो गया पानी में. करेक्ट करेक्ट. आप 2 दिन के अंदर बैकपैक करके घर पहुंच गए, वहां पे आइसोलेटेड हो गए. ओनली थिंग यू हैव इज लाइक यू नो जूम कॉल एंड पीपल वाज नॉट दैट मच ऑफ कंफर्टेबल एट दैट टाइम फॉर द जूम कॉल्स एज वेल. आई बियरली यूज टू टेक जूम कॉल्स आई रिमेम्बर. सो आई थिंक आई टेल पीपल दैट कोविड फिल्टर्ड अ लॉट ऑफ थिंग. कोविड सिचुएशन फिल्टर्ड अ लॉट ऑफ थिंग व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस वर्ल्ड. दे फिल्टर्ड दैट ओके दे आर द पीपल हु कैन बी एम्बिशियस रिगार्डिंग द सिचुएशन. एंड आई कैन टेल यू लाइक यू नो इफ समबडी इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ जस्ट अंडरस्टैंड दैट आफ्टर द कोविड आई फील द सेम वे दैट आई एम अगेन स्टार्टिंग ऑफ. आई एम अगेन कमिंग बैक टू द ऑफिस आफ्टर 1 year एंड आई एम अगेन टॉकिंग टू द पीपल एंड आई एम लाइक डूइंग द स्टफ अगेन. सो गाइज प्लान इज इम्पॉर्टेंट आई अंडरस्टैंड. But plan is not the only thing that you should carry. You should learn to carry different plan. You should learn to carry how to understand difficult situation and make plan accordingly. क्योंकि हम लोग वो देखते हैं ना वो entrepreneurship TVF का जो सीरीज था वहां पे बोलता है ना कि बिजनेस मर जाता है पर entrepreneurs नहीं मरते हैं. करेक्ट. So that is one of the very important thing you should learn because business is just a part of you. It's like a relationship. अगर एक relationship खत्म हो जाता है कि आप लोग क्यों मर जाते हैं क्या उस time पे? नहीं ना. So it's like the thing that we carry with our business as well. कि अगर वो मर रहा है, then we have to make it up. और अगर it is not working, अगर आप feel कर रहे हैं, then don't मतलब आप उसमें हमेशा घुस मत जाओ. Think about something else as well because it's a experiment thing. आपको जिंदगी में 1000 चीज ट्राई करने के टाइम में 1000 चीजों में मतलब जीतना नहीं है, एक चीज में जीतना है जो आपका जिंदगी चेंज कर देगा. वाओ, राइट, ट्रू, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट. एंड इट इट मेक्स इट सो सो लाइट, यू नो, कि जो वो फिलॉसफी होती है, यू नो, टेक इट इजी वाली. इट डजंट मीन दैट यू शुड बिकम कैजुअल अबाउट थिंग्स, बट इट, यू नो, इट इज समथिंग जिसका एक डीप मीनिंग ये रहता है कि आपको सबके ऊपर नहीं करना है यार. There would be one thing which will actually give you that breakthrough. Okay? But the real game is to find that thing. Correct. And Correct. That is what the life is. That is what the journey means.
And I usually compare this thing with my books. पकड़ लीजिए कि हम 10 बुक कर रहे हैं, उसमें से एक बुक होता है कि जो हम जिंदगी में नहीं भूल रहे. करेक्ट करेक्ट. सो एज लाइक ए बिजनेस वी मेक 10 प्लान्स, एक प्लान होता है ऐसा जो हम लोगों का जिंदगी चेंज कर देता है. बट द पॉइंट इज टिल 9th प्लान समबडी गेट सो फ्रस्ट्रेटेड दैट ही और शी डजंट मेक द 10th प्लान व्हिच माइट चेंज. ओके रोहित भाई, आई रिमेंबर द टाइम्स व्हेन आई हैड नो मनी टू पे माय रेंट. आई यूज्ड टू हैव मैगी एट माय डिनर एंड दिस वाज अ सिचुएशन. ऑल्दो माय फादर इज अ वेरी रिच पर्सन बट आई नेवर टुक इट लाइक दैट वे. So the point is, if you're struggling, then have faith in the universe and tell the universe, thank you for this because you are making me up. True. You are making me up. As like that, you know, famous quote, like a normal a cheap cut takes 2 days to create entire body and make it ready. But when it comes to Bugatti, it takes 10 months to make it one car. Okay. When it comes to the Rolls Royce, it takes years to make it one car. When it comes to building a pyramid, it takes years and years to build it. Absolutely. So it's up to you whether you are here to take an appointment or you are take it as a empire. Because empire is going to take time, my friend. Now it's up to you. Wow. And to build an empire, you need to listen to this podcast again. Because guys, I'm telling you this. एक एक वर्ड इट्स अ जेम जो आज यहाँ पे आप लोगों को सुनने को मिला है. एंड इफ यू जस्ट फोकस इवन ऑन वन ऑफ द मैसेज दैट इज गिवन टू यू इन दिस शो टुडे, इट विल एक्चुअली हैव अ ग्रेट ग्रेट डील ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर माइंडसेट विच विल इवेंचुअली टर्न योर लाइफ अराउंड. And that's why it is called the Impact Show. And thank you so much, Rahul Bhai, for being a part of this so far, you know, show for, and also most importantly, for taking out your time to deliver something, you know, which actually is relevant to the people out there. Right. People talk about success. Obviously, it's good to inspire people, you know, but people learn from other people's failures more than from their successes, because that's what they are going through. And wo jo cheeze aapne apni life ki share ki, that certainly will create a big, big impact in the lives of all the listeners, which, you know, who are listening to us. And, you know, all the very best for your, you know, upcoming journey. डीजे आपने बताया कि आप स्टार्ट कर रहे हैं लर्निंग, तो आपने स्टार्ट कर दिया है या भी करने वाले? एक्चुअली राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन टू थिंग. दिस इज गोइंग टू बी अ सीक्रेट टॉक इन बिटवीन अस. डोंट वरी, आई हैव ऑलरेडी सेड द डिटेल्स अबाउट यू ओवर द फोन अबाउट समथिंग ऑन पॉडकास्ट. ओके, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक एनीथिंग मोर अबाउट दैट राइट नाउ बिकॉज़ दैट इज इन बिटवीन अस. एंड देन डेफिनेटली देयर इज समथिंग आई एम गोइंग टू, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप अ एकेडमी वेयर पीपल आर सपोज्ड टू लर्न द स्टफ व्हिच आर रिलेटेड to create something on personal branding, because people have a very bad concept when it comes to personal branding. They take it in a very wrong way, and that's why the children or like the young people, they take it in a very wrong way as well. so that is what I wanted to change, and let's see how it works. Wow, lovely initiative bhai, lovely initiative again, logo ko aur zyada value dene ke liye. And you know, every time, you know, I think about you, you know, जब मैं वेबसाइट के ऊपर जो चीजें पढ़ रहा था वो तो अब पढ़ा, यू नो, बट उससे पहले आपको जो एज अ पर्सन जो भी चीजें जानने को मिला, एवरी टाइम आई फील, यू नो, हर बार जब आपसे बात होती है या कोई भी चीज आपके बारे में जानते हैं, इट इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू. एंड आई ऑल्सो फील सो मच प्राउड टू शेयर दिस, यू नो, कि जब आपने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया वेयर यू आर वर्किंग टू प्रिवेंट सुसाइड अमॉन्ग यूथ, यू नो, सो दैट्स अ रियली रियली इंस्पायरिंग थिंग, यू नो, कि आप एक्चुअली, मतलब मेरे पास करेक्ट शब्द नहीं है उसके बारे में, बट आपके माइंड में कैसे आया ये वाला थॉट, यू नो, कि मुझे इट्स अगेन कमिंग बैक टू अ स्टोरी. अराउंड 2 इयर्स बैक आई रिसीव्ड एन एनोनिमस मैसेज ऑन फेसबुक. तब ना फेसबुक में इतना हल्ला बल्ला नहीं था. अभी शायद, यू नो, 11,000 पीपल आर देयर इन द फ्रेंड लिस्ट, आई मीन नॉट रिक्वेस्ट लिस्ट, बट द पॉइंट इज दैट टाइम वाज प्रोबेबली 200 पीपल. ओके, I received a message from in the message request box it came. So that time it was very rare case ki koi aapko message bhej raha hai bahar se.
सो ऑब्वियसली अटेंशन आ गया है, मैंने देखा, देन इट खुल के वहां पे लिखा हुआ था कि इफ यू कैन नॉट गिव मी अ जॉब राइट नाउ आई विल किल माय लाइफ, आई विल एंड माय लाइफ राइट नाउ, एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल, नाउ शुड आई कॉल द पुलिस, शुड आई कॉल टू डू, लाइक व्हाट शुड आई डू, देन आई कॉल द यू नो एक्सपीरियंस पीपल इन द कंपनी एंड समहाउ आई गेट कनेक्टेड विद द पीपल हु कैन हेल्प हिम, बिकॉज इफ यू आर नॉट अ स्पेशलिस्ट इन सुसाइड केस डोंट गेट अप, लाइक आप उसको जो भी बोलोगे यू डोंट नो व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस, करेक्ट उसको करेक्ट अच्छा बात बोलो यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इफ आपको बुरा बात बोलो यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सो व्हाट आई डिड इज लाइक आई मेक अ कनेक्शन इन बिटवीन दैट टू एंड दैट पर्सन लिव्ड, ओके, एंड आफ्टर फ्यू डेज और लाइक फ्यू मंथ्स आवर ऑलवेज फेवरेट टाइम यू नो सिंगर चेस्टर बेनिंगटन फ्रॉम लिंकिन पार्क, सो ही कमिटेड सुसाइड. And that impacted me a very, very, very lot way because that guy have everything. That guy have fans, that guy have money, that guy have fame, that guy have possibly everything one can imagine of. And that is for God's sake, Chester Bennington. We all grew up listening Numb, that song, right? That famous Linkin Park song. Probably for most of the Indians, that is the first, you know, English song they have ever, you know, listened it to, at least for my case. So I thought, okay, students comes to me a very lot way, like usually this is going to be my, I think, 85th speaking session in the past 2 years only. Wow. So I get to talk with the students in a very much, you know, way, and rather than the people who are actually preventing the suicide cases. So what I did is like, okay, I said like, okay, I'm going to build a non-profit connection with you. Main aapse ek paisa nahi lunga, main student se bhi ek paisa nahi lunga. आप उसको बचाना है, आप उसको फ्री में बचाओगे, मैं आपको वो दूंगा लाके, क्योंकि स्टूडेंट्स तो मेरे पास ही आता है. तो अगर मेरे पास आ रहा है तो फिर मेरे पास मतलब चल के तो नहीं आ रहा है, गूगल से आ रहा है. सो गूगल से जब आ रहा है तब वेबसाइट पे जा रहा है, तो वेबसाइट पे जाके पहले ही जो देखता है कि अपना बंदा ने अपना, मैंने खुद का अपना अचीवमेंट्स बाद में डाल के रखा है, पहले सुइसाइड वाला थिंग्स को डाल दिया कि पहले आप बचो, जब बचोगे तब जिंदगी देखोगे, जब जिंदगी देखोगे तब अचीव करोगे. दैट्स इट. Wow, lovely, lovely, bhai. That's a beautiful initiative, you know, कि जिसकी वजह से आप actually इतने सारे लोगों की help कर पा रहे हैं जो किसी न किसी वजह से अपनी feelings को manage नहीं कर पा रहे ठीक से, जिसकी वजह से वो extreme step लेने को ready हो जाते हैं. That is very hard shop for me. Like, you know, I remember when I saw one of my friend having a panic attack. I you cannot explain it. Like, no matter what you are going to say that time, it doesn't work because that is how the biology, you know, meant to be. So you need extreme professional. That's why I tell people that when you see something serious, don't consult by your own sake. True. Don't become a doctor at all. Don't. There are professionals. Do it. Go there. Absolutely right. Absolutely right. Perfect. Perfectly rightly said. Great. Great. Rahul bhai, and you know. आपकी पूरी टॉक से मुझे जो एक एक लाइन जो मुझे समझ में आई, यू नो, इस पूरे पॉडकास्ट से, एंड दैट वुड बी रिग्रेट इज अ चॉइस. Right, you can regret over the things which you haven't done, right? Or you can learn the lessons from the mistakes or the failures that you have done, and then inspire people after converting those lessons into your success. Okay. And it's puri journey mein rahega, it will be your choice if you want to take that step or not. In the end, agar aap raat ko apne death bed pe pareshan ho, last moment pe, right? Aap death bed pe ho aur aap ye soch rahe ho ki main kya kar sakta tha, that's a life wasted. तो द गुड थिंग इज कि आज अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मेक इट योर वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ, राइट, एंड बड़ा बड़ा सा आप वहां पे पेस्ट कर लो दैट यू नो यू नीड टू टेक एक्शन, यू नीड टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, एज राहुल भाई हैज राइटली सेड, कि आप ड्रीम देखो एंड जहां पे आपका फोकस जाएगा एनर्जी वहां पे जाएगी, एंड यस यू विल मैनिफेस्ट योर रियलिटी. एंड इन बिटवीन जो आप लेसन लोगे, आप कितने लोगों को इंस्पायर कर दोगे जैसे राहुल यहाँ पे कर रहे हैं. थैंक यू. Thank you so much, Rahul bhai, for taking out your time, and wish you all the very best for all your initiatives. I'm honored. Thank so you. Much for inspiring as always. Thank you. Thank you.